आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन के चलते घूमने फिरने निकले लोग तमाम स्थानों पर फंसे हैं। आगरा में भी बड़ी संख्या में त्रिपुरा के लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा त्रिपुरा के लोगों की मदद की जा रही है। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सांसद एसपी सिंह बघेल ने त्रिपुरा की सांसद से भी बातचीत की। कोरोना वायरस के चलते समूचे देश के अंदर लॉकडाउन है। ऐसे में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे जिलों में फंस गए हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं त्रिपुरा के हैं, लगभग इनकी संख्या 55 है। ये सभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन से, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हो गया और आगरा के अंदर ही ये सभी लोग फंस गए। अपने घर जाना चाहते थे लेकिन ट्रेन, बस और हवाई जहाज सभी लॉकडाउन के चलते बंद कर दिए गए थे। इसीलिए आगरा कैंट स्थित होटल सरवन में ये सभी ठहरे हैं। इनको तमाम सारे जो स्वयंसेवी हैं, जो होटल सरवन के मालिक हैं, निःशुल्क रूप से इनको यहाँ पर ठहराया गया और पूरी सुविधा का इनका ध्यान रखा जा रहा है। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उनसे मिलने पहुँचे, उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आप लोग आए थे? त्रिपुरा। कैसे फंस गए आप यहाँ पर? कैसे फंस गए? त्रिपुरा से आया तो घूमने के लिए, इसके बाद घूमने के बाद भ्रमण करने के आया से, फिर लॉकडाउन हुआ 22 तारीख को आगरा सरवन होटल से आया, फंस गए। परेशानी तो है, पैसा टैसा नहीं है, जाना चाहती हूँ। बोड्डा है, अभी बच्चा है तो बहुत रोना लगा। हमारे घर से बोड्डा माँ है, रोना लगा। आई भी मेरा बंगाली में पिछला बैसाख है, सबका रोना लगा। तो हम भी बहुत क्या बोलूँ सर, घर जाना चाहते। खाने पीने कोई दिक्कत आपको हो रही है? खाने पीने तो कोई दिक्कत नहीं होता है सर। हमारा जो होटल का मालिक है वो आत्याद भी था, वो हम मेरा भगवान समझते हैं। कोई परेशानी किसी प्रकार की? घर जाने का तो चाहिए, इसीलिए है। परेशानी और कोई नहीं है। खाना पीना तो ठीक है, वो अच्छा दे दिया होटल मालिक को। किसी भी प्रकार की इनको परेशानी नहीं हो रही, लेकिन घर की याद सता रही है। एक लंबा समय इनको बीत गया है आगरा में, घर जाना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। सांसद एसपी सिंह बघेल उनको थोड़ा ढांढस बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। त्रिपुरा के लोगों से आप मिले हैं, क्या कुछ ढांढस बनाए? ये सब ऐसा पूरे देश में हो रहा है कि जो जहाँ था अचानक लॉकडाउन हुआ वहीं पर रह गया। हमारे यूपी के भी बहुत जगह हैं, तो वो तो मैं कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं ये सुन करके कि हमारे ये रामकृष्ण जी ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने और सुनील जी ने, कमल जी ने, इन्होंने ये सूचना दी कि सरवन होटल में त्रिपुरा के 55 लोग हैं और वो सिंस द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से हैं। तो पहले तो उन्होंने पूछा खाने पीने का, तो खाने पीने का भी कर रहे हैं। होटल का किराया भी नॉमिनल है, बल्कि बिजली के बिल के बराबर ही ले रहे हैं। और इसको इन्होंने स्वीकार किया। इनकी फूड हैबिट दूसरी है, ये सब्जी पूड़ी रोज़ नहीं खा सकते, तो राइस ईटर हैं ये, तो इनके लिए प्रशासन की तरफ से दाल चावल चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। अपने आप बनाते हैं क्योंकि ये 55 लोग हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन ना तोड़ें, क्योंकि हमारा शहर संक्रमित शहर हो चुका है। अगर आप बाहर गए तो आप एक ग्रुप में एक साथ 55 को करोगे। तो यहाँ मैं इनको नसीहत देने के लिए भी आया हूँ और वेलफेयर भी पूछने आया हूँ। वेलफेयर से मैं संतुष्ट हूँ, होटल मालिक पूरी तरह इनको सहयोग कर रहे हैं। और अब सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि एक हॉल में है, जैसे फैमिली रहती है, ये एक फैमिली है, लेकिन ये अब किसी के संपर्क में ना आए और हमारे लोग इनके संपर्क में ना आए, इसलिए 16 कमरे इनके पास हैं। खाने पीने की व्यवस्था है, इनका 17 तारीख का रिजर्वेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि 17 तारीख तक रेलवे को खोला जाएगा। जिस तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को इस बात के लिए लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं कि पूरे देश के साथ वो खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी, जो त्रिपुरा के लोग यहाँ पर फंसे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अपने आप को इस ब्रज की धरती पर अकेला महसूस ना करें। वे उनके साथ हैं, जनता उनके साथ है, प्रशासन उनका साथ उनके साथ है, हर संभव मदद उनकी की जाएगी। आपके होटल में ठहरे हैं यहाँ पर, किस तरीके से आपका ख्याल रख रहे हैं? हमारे होटल में ठहरे हैं, हम इनका अच्छा खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। बाकी जो हमारे होटल का किराया है उसको हमने कम से कम मिनिमम पे करके रख दिया है इनके लिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए हम तत्पर इनके लिए संग खड़े हुए हैं। माफ़ करने की आवश्यकता है तो करेंगे जी, जो भी सहयोग होगा इनका पैसे से
और सांसद जी की तरफ से इनकी भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से, पुलिस के लोग बड़े सहयोग से इनको पहले दिन पूरी लाए थे, लेकिन ये पूरी खाने की आदत नहीं है, तो जैसे सांसद जी ने बताया कि इनके लिए चावल प्याज आलू की व्यवस्था डेली होती है, फिर भी हम इनसे पूछते हैं कोई शिकायत हो तो आप हमें बताइएगा, हम माननीय सांसद जी को बताएंगे, और सांसद जी के निर्देश पर वहाँ से जो प्रतिमा भौमिक इनकी सांसद है उनके अनुरोध पर सांसद जी ने इनकी पूरी व्यवस्था करी, और उसी लिए इनका हालचाल पूछने के लिए आज बता रहे हैं। अब इंतजार लॉकडाउन ख़त्म होने का है, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सभी लोग अपने अपने घर पर पहुंचेंगे, अपने लोगों से मुलाकात करेंगे, यही ये त्रिपुरा के लोग हैं चाहते हैं कि वो अपने घर पहुंचें, अपने परिवार के बीच पहुंचें, और इंतज़ार की घड़ियां लॉकडाउन तक ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।